हरीश रावत भराड़ी सेन पहुंचे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज भराड़ी सेन स्थित विधानसभा परिसर में पहुंचे। यहां पहुंचने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने भराड़ी सेन विधानसभा में सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, बिपिन रावत का पहाड़ की माटी से और यहाँ के लोगों से बड़ा लगाव था। नव भारत समाचार भराड़ी सेन से हरीश मनराल की रिपोर्ट। सभी सम्मानित अध्यक्षगण, बहनों और भाइयों, मैं आप सबके साथ जनरल बिपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी और उनके सहयोगी सैन्य अधिकारी, सैनिक जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनके साथ अकाल काल कलवित हुए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर और अपने राज्य के सामूहिक निश्चय की राजधानी भराड़ी सैन गैरसैन में इस श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूं। जनरल बिपिन रावत न केवल अपने पद से वो एक मिनट आप पकड़ लो, रावत जी विधानसभा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पहुंचे, तो किन मुद्दों को लेकर के आप यहाँ पे पहुंचे? हम ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में नहीं पहुंचे, हम राज्य की राजधानी गैरसैंण में पहुंचे हैं। और हम लोग यहाँ पर जनरल बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि देने और परिसर जो हमारा विधानसभा का है उस परिसर में जाकर ये एहसास कराने, क्योंकि आप जानते हैं जनरल बिपिन जी का उत्तराखंड से, यहाँ की धरती से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के परिवेश से बड़ा प्यार था, बहुत लगाव था। वो केवल बेटे ही नहीं थे बल्कि एक समर्पित बेटे थे इस धरती के लिए। तो हमारी आज की सरकार ने ये कहा है कि गैरसैंण भराड़ी सैंण में ठंड लगती है, तो हम ये कहने के लिए आए हैं नहीं, यहाँ ठंड नहीं लगती है, ये वो धरती है जिसने जनरल बिपिन रावत जैसे सपूत को दिया है और हम उनको श्रद्धा नत भाव से श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं। विधानसभा करती है जिससे कि उत्तराखंड की राजधानी बन सके, लेकिन दुर्भाग्य से इस बीच जब हमने कार्यक्रम तय किया, इस कार्यक्रम में बहुत से लोग शामिल होने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य से इस बीच हमारे बहुत ही लाडले और एक वीर योद्धा इस भूमि में जिन्होंने जन्म लिया, हमारे जनरल बिपिन रावत जी जो कि तीनों सेनाओं के मुखिया थे, दुर्भाग्यवश हमारे बीच नहीं रहे। तो हमने इस कार्यक्रम को फिलहाल राजनीतिक कार्यक्रम न कर उन्हें श्रद्धांजलि कार्यक्रम के रूप में तब्दील किया। हम गैरसैंण विधानसभा भवन के बाहर बैठेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, उन्हें पुष्पांजलि देंगे और अंततोगत्वा सरकार को भी समझना होगा कि गैरसैंण वो स्थान नहीं है कि जिसमें उत्तराखंड और उत्तराखंडी व्यक्ति को ठंड लगे। तो ये दोनों बातें हैं और इन्हीं दोनों बातों के चलते हम यहाँ पर